हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे, हमारे लाइफ में जब छोटी बड़ी प्रॉब्लम आता है हम भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक छोटा सा स्टोरी से मैं आपको सीखा बताऊंगा कि कैसे हमारा प्रॉब्लम से हम लोग निकल सकते हैं। एक मरुभू भी था, उसमें एक मुर्गा फंस गया था। तो आपको पता है मरुभूमि में क्या होता है, ना पानी मिलता है, ना छाई मिलता है, ना उसमें वहाँ पानी रहता है या कोई ट्री रहता है कि वो अपना जीवन को बचा सके। तो वो मन में मन सोच रहा था और भगवान को कोस रहा था कि मैंने ऐसे क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह सिचुएशन में डाल दिए। तो सोच रहा कि मेरा जान ही चला जाएगा। उस टाइम देखा वो मुर्गा ने कि वो एक परी ने आ रहा था। परी को देख के खुश हो गया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। बोला कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो इन्होंने बोला कि आप एक बार भगवान से पूछना है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया ये, और मेरा ये जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, ये कब तक रहेगा, कब ख़त्म होगा, कि मैं ना पानी पा पाता हूँ पीने के लिए, ना छाई मिलता है रहने के लिए, ना मरुभूमि में चल पा रहा। तो परी ये देख के बहुत दुखी हो और भगवान को जाके पूछा, भगवान को सारी चीज़ें बता। तो भगवान ने बोले उसको इस तरह 7 जन्म तक ही उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इस सिचुएशन उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो जो प्रीवियस जन्म में वो बहुत सारा ऐसे कर्म किया है और मुझे हर वक्त कोसते हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम को फेस करना ही करना है नेक्स्ट 7 जन्म तक। ये सुन के परी ने बहुत दुखी होगी, बोले कि 7 जन्म तक वहाँ पे अगर वो ऐसे रहेगा तो उसका क्या होगा। तो बोले बोला इसमें कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर वो जिस सिचुएशन में जैसे ग्रोथ कर रहा है, तो अगर मुझे वो उस सिचुएशन में थैंक यू बोलेगा, और यार जो भी उसका एनवायरनमेंट है उसके लिए थैंक यू बोलेगा कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तो उसका कुछ कम हो सकता है। तो परी ने रिटर्न आया तो चला गया दुखी होके, सारे चीज़ें बताया मुर्गा को कि ऐसे ऐसे बात है, मुर्गा समझ गया। तब 7 जन्म तक दुखी होने के वजह से जब भी उसको दिक्कत हुआ वो भगवान को थैंक यू बोला, भगवान को थैंक यू बोला। जब परी ने रिटर्न आया कुछ टाइम के बाद, तो देखा कि वो जो मुर्गा था उसके एक पानी का जलाशय मिल गया और घर टाइप का एक है वहाँ पे उसका जीवन बिचारा। तो ये देख के खुश हो गया कि जब भगवान बोले थे 7 जन्म तक उसके साथ ऐसा सिचुएशन होगा, तो वो कैसे हैप्पीली जी रहा है, उसे ऐसा क्या हो गया। तो भगवान के पास जाके पूछा कि ऐसे क्या हो गया जी, आपने उसका प्रॉब्लम ही सलूशन हो गया 1 महीने के अंदर। तो उसने बोला वो हर वक्त में चल नहीं पा रहा था, थैंक यू भगवान एटलीस्ट मेरा जान है, पानी नहीं पी पा रहा था, प्यास लग रहा था तब भी थैंक यू बोल रहा था कि मेरा जान एटलीस्ट बचा हुआ है, छाव नहीं मिल रहा था तब भी भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि एटलीस्ट मेरा जान बचा हुआ है, मैं चल रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास ज़िंदगी तो है, जी तो रहा हूँ जैसे तैसे करके। तो ये एवरी सिचुएशन में भगवान को जो भी सिचुएशन था थैंक यू बोलता रहता था। तो वो जो थैंक यू था और वो जो भगवान को हर डिफिकल्टी सिचुएशन में याद रखता था, याद करता था, थैंक यू बोलता था, उस सिचुएशन से, उस एक्टिविटी से उसका जो 7 जन्म का जो उसका जो दिक्कत सहना था वहीं में उसका ख़त्म हो गया। तो उसके लिए मैंने एक जलाशय और एक घर टाइप का बना दिया, तो वहाँ उसका अपना ज़िंदगी जीना। ये स्टोरी से हमें ये सीखना मिलता है, जितना भी परेशानी हमारा लाइफ में क्यों ना आए या सुख ना क्यों आए, वो टाइम गुजर जाएगा। परेशानी है ये टाइम भी गुजर जाएगा, अच्छी वक्त आएगा, अच्छी वक्त भी है तो ये टाइम भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त आएगा। तो इसके लिए हमें अपना तरफ से फेस करने के लिए हिम्मत रखना चाहिए, ना कि भगवान को दोष देना चाहिए, ताकि थैंक यू बोलना चाहिए। एटलीस्ट हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी जीने के लिए दूसरा कितना परेशानी झेल रहे हैं, अगर हम ऐसे छोटा छोटा एक्टिविटी करते रहेंगे और भगवान को जो सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो हमारा लाइफ में ये जैसे मुर्गा जैसा उस सिचुएशन में मरुभूमि में उसके लिए जलाशय और घर बन गया, तो हमारा लाइफ भी ऐसे खुश हो जाए और शांति से गुजरेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।